जय हिंद। आइए, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला साधारण ब्याज का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आइए एक एक करके हम इस सब सारे प्रश्नों को देखें। दिया गया है घर 400 रुपये की राशि 3 वर्ष में 6% की वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना होगा? तो विद्यार्थीगण, एक सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्नों में साधारण ब्याज हम लोग को निकालने क्या है ना, तो सबसे पहले प्रतिशत वाला ब्याज निकाल लेते हैं। तो प्रतिशत वाला ब्याज हो जाएगा 18, यानी हमको बस 4000 का 18% चाहिए। 18% यही हमारा साधारण ब्याज। तो ये परसेंटेज से भी विद्यार्थीगण 2 जीरो कट जाए। 18 चौक 72 यानी 720 करेक्ट आंसर होगा। 720 पढ़ते हैं। दिया क्या है अगला प्रश्न में, कितने समय में ₹ 6.1% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 हो जाएगा? का अर्थ है कि आप किसी को दिए थे ₹72 और वो हो गया 81, मतलब प्रिंसिपल आपका 72 है और कुछ समय के बाद वो हो गया कितना? तो सर वो हो गया 81, ऐसा हम लोग को प्रतीत हो रहा है। 9 से काट देंगे, 9 9 81 और 9 8 72, तो आप कहेंगे कि ₹8 9 हो गया, तो ब्याज कितना मिला? तो सर ₹1। तो ब्याज, ब्याज बराबर होता है मूलधन और गुणे समय। तो समय आप देख रहे हैं कि सर समय जो होगा 24 25 और बट्टा में क्या हो जाएगा 4, और गुणे हो जाएगा समय और बट्टे में 100। ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दिए, ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय बट्टे। अब देखिए 25 विद्यार्थी का ये आपका कट जाएगा 4 बार में, 4 से इसको काट देंगे 2 बार में 2 इसको काट देगा। तो इसका अर्थ है कि टी का मान हो गया 2 ईयर, यानी हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो 2 साल, हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो 2 साल। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थीगण। दिया गया है ₹500 6 वर्ष में 650 रुपये हो जाती है, तो बताएं कि कौन सी राशि 8 वर्ष में 3168 रुपये हो जाएगी? तो सबसे पहले विद्यार्थीगण, यदि हम लोग फर्स्ट केस से देखते हैं ना, तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि सर आप किसी को दे रहे होंगे 500 रुपया और 6 वर्ष में हो गया कितना, दैट मीन्स कि दिस इज अ मिश्रधन, ये 6500। तो आप 0 0 कट कर लेते हैं। आप यदि 5 से काटेंगे तो ये 10 बार में, और 5 से काटेंगे तो 13 बार में। तो यहां से जब हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे विद्यार्थीगण, 6 साल में ऐसा हुआ, तो सर ब्याज मिला 3, ब्याज, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय और गुने विद्यार्थीगण दर बट्टा में 100, ऐसा माहौल क्रिएट होगा। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इसको काट देगा विद्यार्थीगण 2, यानी यहां से आर का मान आ गया 5। यानी हमको पहला केस से पता चल गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है। अब सेकेंड केस में हमको कह रहा है कि आर जब आपका 5 है तो उसी ब्याज की दर से टाइम दे दिया है 8 वर्ष में इतना रुपए हो जाएगी, मतलब वो कौन सा राशि है जो इतना हो जाएगा? तब आप समझ रहे होंगे कि सर ऐसे में क्या करेंगे कि हमको पता है कि प्रतिशत जो हमको मिलेगा वो विद्यार्थीगण 40%, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 140% का सर मान, 140% का मान जो है हमारा 3168 है, तो 100% यानी प्रिंसिपल पूछ रहा था, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, तो 3168 और अपॉन में कर देंगे 140 और मल्टीपल कर देंगे 100। इसी को हल करने पर आप देखें विद्यार्थीगण कितना पॉइंट 8 2262.8 आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दे दिया गया है, एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि निश्चित अवधि के लिए निवेश किया, यदि साधारण ब्याज की दर 15% वार्षिक है और मिश्रधन 44000 है, यानी विद्यार्थीगण प्रिंसिपल को हम लोग मान लेते हैं पी, और इस पर जो दे दिया गया है रेट है आर 15% की दर से 15%, और मिश्रधन हो गया है कितना, तो 44। तो हम क्या किए ना, मिश्रधन निकाले। वी नो दैट विद्यार्थी, हमें पता है कि प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है यदि परसेंटेज में बात करें तो। उसके बाद ब्याज का परसेंटेज जो होता है 80% होता है, इसलिए जो मिश्रधन होता है वो विद्यार्थीगण 100 और प्लस हो जाता है 80% हो जाता है ये आपका। तब यहाँ से जब हम लोग आए तो पी और प्लस हो जाएगा, यहाँ पर देंगे तो 6R% हो जाएगा, और बराबर ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 22400, ये आपका 22400 हो जाएगा, ठीक है। अब यदि आप इसे हल कर रहे होंगे ना मेरे भाई लोग, तो आप देखें कि सर ये कट जाएगा, तो इधर से घटा रहे होंगे तो ये कट जाएगा, ये कटेगा तो यहाँ पर बच जाएगा आपका 9I%, और बराबर में इधर घटेगा तो 0, ये 0, यहाँ से विद्यार्थीगण घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 6, यहाँ पर बचेगा 1 और ये 2, अर्थात इतना मिलेगा।
अब आपको क्या करना है कि आपको प्रिंसिपल निकालना है ना, तो आप क्या करेंगे कि या तो 15 का मान या 6R का मान आप इसको कन्वर्ट करेंगे। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि 9 में हम ऐसा क्या से गुना कर दें कि ये 15 आ जाए। तो आप बोलेंगे सर 5/3 से, तो हम क्या किए ना कि 5/3 से दोनों तरफ मल्टीपल कर दिए, इधर भी विद्यार्थीगण 5/3 से और इधर भी विद्यार्थीगण 5/3 से। यदि 5/3 से मल्टीपल करेंगे तो ये कट के विद्यार्थीगण हो जाएगा 15R%। 15R% यहाँ भी 5/3 से यदि करेंगे तो ये कट जाएगा, इससे विद्यार्थीगण काट देगा, तो ये हो जाएगा 7, ये 3 और विद्यार्थीगण ये, तो 5 से गुणा करेंगे तो 0 0, 5 × 15 = 5, हाथ में लगा 1, 5 × 7 = 35 और 1 विद्यार्थीगण 36, ऐसा विद्यार्थीगण माहौल क्रिएट होगा। अब आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर ये पी और उसके बाद इसका मान हम लोग जान चुके हैं कि सर इसी का मान यहाँ से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 15 = 5, हाथ में 1 35 और 1 36, यानी विद्यार्थीगण 36 5। अब आपको कुछ करना नहीं, इसमें घटा देना है, तो आपके पास है कितना सर, 44,000 था ये मेरा विद्यार्थीगण पहले का समय, इसमें यदि हम लोग 36,500 घटा दे रहेंगे तो जो बचेगा वो हमारा आंसर होगा 0, ये विद्यार्थीगण 0, ये आपका 5 और इधर विद्यार्थीगण 7, यानी आपका जो टोटल आंसर होगा वो विद्यार्थीगण 75। चलिए करेक्ट आंसर जो होगा आपका 7500, करेक्ट आंसर जो होगा आपका 7500। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे दिया गया है मेरे भाई, दिया गया है 44,500 रुपए के कुछ भाग को 15% वार्षिक ब्याज उधार दिया, जबकि शेष को एक साल बाद 18% साधारण ब्याज की दर से उधार दिया गया। पहले भाग को उधार देने के 4 वर्ष के बाद दोनों भाग पर प्राप्त ब्याज का अनुपात 10:3 है, 18% दर अपना भाग उधार दिया था। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी का। देखिए इसको कैसे करेंगे, हम यहाँ से विद्यार्थीगण सोचे बेसिक से कि सर एसआई बराबर जो होता है ना वो पी आर टी और बट्टा में क्या होता है 100, और यदि आप यहीं से पी निकालना चाहते हैं ना तो एसआई गुणे कितना हो जाएगा 100 और बट्टा में हो जाएगा विद्यार्थीगण आर और टी, ऐसा विद्यार्थीगण माहौल क्रिएट हो। तो हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पर दोनों केस लेते हैं कि पहला का विद्यार्थीगण आपका दोनों का एसआई दे दिया है, फर्स्ट केस था और ये आपका सेकेंड केस था, तो यहाँ पर विद्यार्थीगण 10 था, यहाँ पर 3। अब यहाँ पर देखा जाए दोनों में 100 तो 100, ये दोनों में 100 जो दे दिया था। अब आप देखिए इसका अर्धवार्षिक 15% है, तो वार्षिक कितना हो जाएगा तो 30%, और इसका विद्यार्थीगण वार्षिक है तो ये 18%। रही बात टाइम का, तो टाइम का बोल रहा है कि यहाँ 4 साल, तो पहले विद्यार्थीगण हुआ होगा, कह रहा है कि पहले को देने के 4 साल बाद, तो ये 4 साल आएगा और ये 1 साल बाद दिए तो ये 3 साल होगा। ये विद्यार्थीगण हमारा दोनों के प्रिंसिपल का रेशियो बनेगा, तो 100 से 100 विद्यार्थीगण कट गया, 3 से 3 कट गया, 0 से 0 कट गया, यहाँ 3 से विद्यार्थीगण ये 6 कट गया, तो 6 और 4 यानी 3:2 हमारा जो मिलेगा प्रिंसिपल का रेशियो। तो अनुपात में 5, 5 का मान दे दिया गया कितना, तो सर 44,000 कितना 500, काट दीजिए विद्यार्थीगण एक बार में 8 × 45, 9 × 45, 45, 0, 0। अब आपसे पूछ क्या रहा है 18% वाला, तो 18% वाला यहाँ है यानी 2 का मान, तो 0 का 0, 0 का 0, 9 × 18 = 8, हाथ में 1 × 16 = 17, तो करेक्ट आंसर होगा 17,800, 17,800 अर्थात ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट बार हम फिर से मिलते हैं इसी आगे।